दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और VGFX पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड फोटोशॉप के बारे में कि कैसे किसी इमेज को हम कट करके और उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने ये एक इमेज उठाई है गूगल से। इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्शन हमने देना है। जूम करेंगे सबसे पहले इसको हम इस टूल के द्वारा, और आपने सिंपली क्या करना है, अपना जहां पे आपकी प्रॉब्लम डिलीट आ रही है वहां से इसको डिलीट कर लीजिए। ये देखिए, ये हम यहां से इसका इतना पोर्शन सिलेक्ट करते चले जाते हैं। ये आपका ऑटोमेटिक क्या करता है, मैग्नेटिक टूल होता है दोस्तों ये, तो ऑटोमेटिक ये आपके पिक्सल्स पॉइंट को सिलेक्ट करता चला जाता है इस टाइप से। ये देखिए, यहाँ 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 पे, यहाँ से यहाँ यहाँ और यहाँ 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 और यहाँ से मैं इसको इस टाइप से ऐसे करके चल देता हूँ। ठीक है, ये आप लेते रहेंगे, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर देगा पूरी उसके आपको रेशो को। कंट्रोल माइनस करेंगे, जहां से ये सपोज कीजिए आपका यहां पे गलत आ गया है तो यहां से आप डिलीट कर सकते हैं नॉर्मली इसको। ये देखिए, अब ये आपकी इमेज पूरी तरह सिलेक्शन होती है। आप चाहें तो यहाँ से एक लैसो टूल होता है, मैग्नेटिक लैसो टूल, इसके द्वारा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इमेज को। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है और इस लेयर पे आ जाना है। इसकी डुप्लीकेट एक बना लीजिए आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सिलेक्ट के लिए कंट्रोल जे किया और इसको हमने बंद कर लिया। ये देखिए, इसको हमने डुप्लीकेट बना लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमने हाइड कर देना है और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके यहाँ से फिल करना है। जब आप फिल करते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन कंटेंट अवेयर जो बैकग्राउंड होता है आपका, उसके द्वारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका एरिया जो है आसपास का, ये सारा फिल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका पूरा एरिया फिल हो गया है। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब हमने करना क्या है, इस इमेज पे इसमें इफेक्ट डालना है लेंस ब्लेयर का, लेंस ब्लर हम इफेक्ट डालते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपकी ये पूरी इमेज आ गई है, तो इसको जो ये आपका पॉइंट होता है इसको हम कर देंगे 100, ब्लड कैप्शन कर देंगे हम 72, और रोटेशन आपकी नहीं छेड़नी है आपने, ब्राइटनेस करना चाहो तो आप कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपकी पूरी इमेज ब्लर हो गई है। ज़्यादा चाहो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गॉसियन ब्लर भी डाल सकते हो, इसमें हल्का सा, थोड़ा सा मामूली सा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करना है, आपने यहाँ से आपने लेना है अपना कलर लुकअप। अब जब कलर लुकअप आप डालते हैं तो यहाँ पे आप डालिए, और यहाँ पे आपके पास में होते हैं बहुत टाइप के, फ्लम स्ट्रॉक, फ्यूजी, हॉरर ब्लू, इस टाइप से। तो यहाँ हम ड्रॉप क्रिसिस्ट विंटर ले लेते हैं, इस टाइप से ले लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं ऑन। ये देखिए, है ना। अब इसमें थोड़ी सी अभी भी कमी रह गई है, इसमें क्या करेंगे हम, ये वाली लेयर को हमने सिलेक्ट किया है, ये वाली को, बैकग्राउंड वाली को, इसमें क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसमें रेंडर में गए हम और लेंस हमने कर दिया इस टाइप से, इसके पॉइंट हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इस टाइप से। ये देखिए, है ना, और यहाँ से हम एक और डालेंगे कलर ग्रेडियंट ओवरले, थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर दीजिए इस टाइप से।
कलर आपने वही रखना है सेम इसके वाला। ओके कर दीजिए इसको। और यहाँ पे हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा चैनल भी डाल सकते हैं, चैनल मिक्सर इस टाइप से। और अब क्या है, आपके थोड़े से एजेस इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जे कीजिए इस इमेज को, ये वाली को, और इसमें नीचे आप ब्लर डालिए, जैसे गोशियन ब्लर आपने डाला। ओके कर दिया। अब ये देखिए ये आपका आ गया है। और यहाँ पे आप चाहो तो इसमें अलग से आउटर ग्लो डाल सकते हो थोड़ा सा इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपकी इमेज आ गई बिल्कुल एकदम ब्लर, इसके पीछे से हमने कर दिया और इसकी ओरिजिनल इमेज से एकदम ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका बैकग्राउंड भी हमने हटा दिया है और इसके बैकग्राउंड को ब्लर भी करके सिंपली एक इमेज को हमने अट्रैक्ट कर दिया है, जिससे कि आपको देखने में अच्छी लगे। सो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा और भी कई नई चीज़ें। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।